तो सबसे पहले बात करेंगे टनल में फंसी जिंदगियों की। उत्तरकाशी में टनल में फंसे लोगों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 13 दिन से चल रही इस जंग में आज उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। वर्कर्स को निकालने के लिए 2 और पाइप इस वक्त डाले जा चुके हैं। पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी GPR ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक अश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग 5 मीटर। चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी दीपांकर भट्ट से। दीपांकर, बताएं कि क्या इस वक्त स्थिति है, क्योंकि लगातार रोज उम्मीद बनती है कि आज ही हो जाएगा और फिर कुछ बीच में आ जाता है कि आज उम्मीद करें कि मजदूर बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 13वां दिन है और अभी अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं, चौथी बार पहुंचे हैं। और टनल की मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, तो मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अभी इससे लगभग 1 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई, जिसमें सेक्रेटरी नीरज खैरवाल और जो कंपनी NHIDCL उसके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि 5 बजे के आसपास जो ऑगर मशीन है वो एक बार फिर से पाइप को पुश करेगी। और जो आपने सवाल किया और आपने जो सवाल में बात कही कि बार बार हम उम्मीद करते हैं और बार बार नाउम्मीदी यहां पर हाथ लगती है, तो अभी भी बहुत ठोस तरीके से ऑफिशियल्स हों, यहां पर इंजीनियर हों या जो वर्कर्स हों, कोई भी ये बता पाने में यहां पर अभी स्थिति में नहीं है कि कब तक ये ऑपरेशन चलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगर ऑगर मशीन ने सही तरीके से काम किया तो आज देर रात तक टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर निकल सकते हैं। पर फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी चौथी बार यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही अपना कैंप किया है और लगातार यहीं पर बने हुए, आज हरिद्वार भी गए थे। छोटा सा प्रश्न और कि इस बीच अंदर से कोई खबर, मजदूर सुरक्षित है, उन्हें खाना पहुंच रहा है, उनकी तबीयत ठीक है? भास्कर खुलबे जो पूर्व सलाहकार रहे PMO के, उनका ये कहना है कि आज उन्होंने सुबह बातचीत की थी मजदूरों से, उनकी तबीयत का हाल भी जाना था, तो मजदूरों को फिलहाल किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं है कि किसी की सेहत में कोई खराबी हो या कहीं पर तबीयत किसी की बिगड़ रही हो। तबीयत सभी की ठीक है, सभी को खाना वहां पर पहुंचाया जा रहा है वक्त वक्त पर, जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जिस तरीके से होता है, जो इन हालात में पहुंचाया जा सकता है वो सब कुछ वहां पर पहुंचाया जा रहा है। मजदूर फिलहाल ठीक है, लेकिन मजबूरी बस ये बनी हुई है कि कब ये मशीन अंदर दाखिल होगी और कब वो पाइप अंदर इंसर्ट होंगे और कब मजदूर बाहर निकल पाएंगे। जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देश की दुआएं, उम्मीदें यही कि यह काम आज जरूर हो जाए। और ऐसा नहीं है, कोशिशें लगातार जारी है, कुछ टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, कभी मशीन खराब होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन हर रोज इंच बर इंच जिंदगियों के करीब पहुंच रहा है यह रेस्क्यू ऑपरेशन। उम्मीद ये कि आज वो आ जाए। अच्छी खबर जो दीपांकर बता रहे हैं कि मजदूर जो है